नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम कोरोना वायरस का अपडेट बता दें जो पूरी दुनिया में एक माहौल बना हुआ है। जी हां दोस्तों, बता दें कि इस चीनी बीमारी से अब तक जो लोगों जो केस सामने आए हैं वो है 2,07,615। इंडिया में टोटल केसेस संख्या की अभी बात करें तो 2,07,615 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मामले यानी 9,000 के करीब 8,900 मामले आए हैं। साथ में जो ठीक होकर अपने घर गए उनकी संख्या 1,03,003 है। और वहीं जो अपनी इस कोरोना चीनी बीमारी से अपने जान गंवाने वाले जो संख्या है वो है 5,815 जो अपने जान गंवा चुके हैं। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबरों की ओर। कैबिनेट के फैसले पर पीएम मोदी बोले, अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से आज लिए गए फैसले से किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब अन्नदाताओं को देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकेंगे बिना कोई रुकावट के। एक देश और एक कृषि बाजार का सपना साकार होगा सभी किसानों का। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। फसलों की खरीद बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया जिससे किसानों की दशकों पुरानी जो मांग थी वो पूरी हो गई है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और इसी बीच जो सीएम योगी का आदेश है कि अभियान चलाकर बनाए जाएंगे सभी का राशन कार्ड। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अभियान चलाकर जितने भी बचे हुए हैं उन सभी को तत्काल राशन कार्ड बनाया जाएगा। योगी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जरूरतमंदों को राशन तुरंत उपलब्ध कराया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वो कोई भी भूखा न सोए। आपको बता दें कि सामान्य प्रक्रिया के तहत नए राशन कार्ड बनाने के बाद उस कार्ड धारकों को करीब 2 महीने के पहली बार खाद्यान्न उपलब्ध होता है, यानी जो खाद्य पदार्थ है यानी जो खाने पीने का सामान है उस आधार में राशन कार्ड के जरिए आपको दिया जाता है। तो योगी ने कहा है कि सभी को आसान तौर पर राशन कार्ड बनवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने की है भारत में फैले कोरोना वायरस के अलग क्लस्टर की पहचान। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में हाहाकार मचाई हुई है और हर तरफ वैज्ञानिक चाह रहा है कि कोरोना वायरस को कैसे खत्म किया जाए। हर तरफ मदद करना चाह रही है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कब तैयार हो। बहुत सारे लोग इसके इंतजार में भी हैं कि कोरोना वायरस के वैक्सीन कब तैयार होंगे और मार्केट में आएंगे ताकि हम लोग को जिंदगी का कोई खतरा नहीं होगा। तो इस तरीके से सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार ने विदेश नागरिकों को दी है भारत आने की छूट। पूरी कहानी होगी यह शर्त पूरी करनी होगी आपको ये शर्त। भारत सरकार ने कुछ खास पेशों से जुड़े विदेशी नागरिकों के वीजा के नियमों में छूट दे दी है। भारत सरकार ने यह छूट इंजीनियर, व्यवसायी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि विदेश कारोबारी इंजीनियर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर को इस शर्त पर देश में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है कि वे अपने वीजा को फिर से वैध करवा ले और चार्ट उड़ानों में भारत आ जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।